हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी क्या है कि ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। तो हम लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है बेसिकली इधर, तो देख सकते हो पूरा। मेरे साथ 20-25 मतलब 20 या 22 लोगों का ट्रेनिंग एक साथ चल रहा है। तो इधर अभी पूरा क्लास खाली है क्योंकि ब्रेक हो गया, और मैं ब्रेक में बैठ के ब्लॉग बना रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पे कितना मस्त व्यू है। मतलब मैं दिखाता हूँ अभी कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ से विंडो के बाहर कैसा सीन है। ठीक है, इधर देखो, आप देख सकते हो विंडो से क्या मस्त नज़ारा इधर आ रहा है। ये सारी चीज़ ना बिग सिटीज़ में ही सिर्फ मिल सकती है। ठीक है, तो ये आईटी जॉब में है थोड़ा सा कि ये सब चीज़ एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। ऑल्दो ये नहीं कह सकते कि कौन अच्छा है, कौन ज़्यादा ख़राब है, किस में क्या पॉसिबिलिटी है, वो तो अभी मुझे खुद भी नहीं पता है। बट जो चीज़ मैं एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ वो बहुत शानदार है। मतलब जितना भी चीज़ हर दिन देख रहा हूँ ना, वो कुछ ना कुछ डिफरेंट है हर दिन। तो अभी तो यहाँ पे सीन ऐसा है कि ब्रेकफास्ट के लिए, सॉरी लंच के लिए जब मैं गया तो लंच के लिए भी यहाँ अलग ही सिस्टम चल रहा है। लंच करना है ना तो आपको लंच बॉक्स एक ऐप है, वहाँ से जाके आपको ऑर्डर करना होगा। यहाँ पे कम से कम 50 से 60 या उससे भी ज़्यादा रेस्टोरेंट मतलब टाइप के आउटलेट लगा हुआ है जहाँ पर आप जा करके अपना लंच कर सकते हो। सो अभी लंच हो गया मेरा, जाके मैं बिरयानी करके आया हूँ, बिरयानी खा लिया। और उसके बाद अभी फिर से 5 मिनट के बाद ये क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो ऑल दो ये 2-3 महीने का ट्रेनिंग है हम लोगों का, उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने असाइंड प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। सो दिस इज़ डे वन, और अभी देखते हैं। मैं हर दिन तो वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ, बट वीक में एटलीस्ट आई विल ट्राई टू अपलोड 1 or 2 वीडियो। सो मैं पूरे वीक का उसमें रिकैप अपलोड करता रहूँगा। ठीक है भाई, अगर पॉसिबल होता तो दिखा पाता मैं। मतलब हम लोग क्या करते थे कि जब तक कॉलेज में थे, मतलब वो बता नहीं सकते कि हम लोग कितना पीछे चल रहे थे। और ये सिटी में आने से ये पता चला कि, मतलब सिटी में आने से तो ऐसा कुछ ज़्यादा ये नहीं पता चला, बट ये ऑफिस में आने से पता चला कि अगर आप MNC के लिए काम कर रहे हो, वो भी वहाँ पे जहाँ पे 30-40 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन मिलने वाला है। ठीक है, जैसे हम लोग कॉलेज में थे या अपने होम टाउन में थे, तो कभी CCD जाओ या फिर जो भी मतलब इस तरह के आउटलेट पे जाओ, तो लगेगा कि मतलब बहुत सारा ये लग रहा है कि कुछ अलग जगह पे आ गए, फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं। और जब आप ऐसे MNC के लिए काम करते हो ना, तो आपको पता चलेगा कि हर जगह ऑफिस के अंदर ही इतना आउटलेट है, इतने जगह पे आप फ़ोटो खींच सकते हो कि आप खुद नहीं समझ पाओगे। ठीक है, हर जगह आप देखते हो, कॉफ़ी तो एक फ्री रहता है, तो कॉफ़ी वाला एरिया एक हो गया, ब्रेकफास्ट का अलग एरिया है। मतलब बता नहीं सकते, एक बार आप अंदर आओगे ना तभी एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। पता नहीं कहाँ पे किस चीज़ का लोगो हो, कहाँ पे किस चीज़ का ब्रांडिंग करके रखा है ऑफिस के अंदर। और अगर मैंने वो वीडियो में दिखाया तो दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट मी। ठीक है, तो मैं वो चीज़ कर नहीं सकता जो मैं दिखा सकता हूँ। ज़्यादातर चीज़ें मैं बस बोल के बता सकता हूँ, बट आप देख सकते हो कि ये ट्रेनिंग रूम है, इससे भी आपको अंदाज़ा थोड़ा सा लग सकता है कि कितना ज़्यादा एडवांस्ड ये लोग हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मैं दिखा पाऊँ जितना पॉसिबल हो सकता है। तो फ़िलहाल के लिए तो इतना ही है। मैं जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा, मैं वैसे वैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहूँगा और बताऊँगा। पहले तो यहाँ पे 2-3 चीज़ फ़नी हो गया मेरे साथ। एक तो लिफ्ट वाला फ़नी हो गया, लिफ्ट वाला मैं बताऊँगा लिफ्ट में जाने के बाद ही। ठीक है, किसी दिन मौका मिलेगा तो लिफ्ट वाला भी मैं दिखाऊँगा कि लिफ्ट में क्या फ़नी है। अभी तक मैंने वैसा लिफ्ट नहीं देखा था, यहाँ ऑफिस में आने के बाद ही वैसा लिफ्ट देखा हूँ, सेंट्रलाइज लिफ्ट। ठीक है, तो बताऊंगा कि सेंट्रलाइज लिफ्ट क्या होता है। ठीक, आज हमको बताएंगे आप लोग कि किस किस को पता है सेंट्रलाइज लिफ्ट सिस्टम क्या होता है, कौन कौन है जो यूज़ कर चुके हैं सेंट्रलाइज लिफ्ट सिस्टम। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे देखो, हम लोग तो बहुत बड़े शहर से हैं नहीं, मैं तो गाँव से हूँ, और बट सिटी में रहा हूँ। जैसे कि मेरा बेसिक ये पटना सिटी है, पटना में मतलब हम रहते थे पहले, तो वहाँ पर तो मैंने ऐसा कभी सिस्टम देखा नहीं। जनरली क्या होता है कि या तो हॉस्टल में रहे हैं या तो कोई ऑफिशियल बिल्डिंग में गए हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है कि मैक्सिमम 1 or 2 लिफ्ट रहता है। ठीक है, एक या दो, ज़्यादातर मैंने एक ही लिफ्ट देखा है। बट सेंट्रलाइज लिफ्ट सिस्टम क्या होता है, यहाँ आके पता चला। हुआ क्या कि लिफ्ट के अंदर मैं घुस गया, और मुझे लगा कि जनरली लिफ्ट के अंदर ही बटन रहता है जो भी है, ऊपर से नीचे जाने वाला आपको दिया रहता है। तो अंदर चला गया और अंदर मैं देख रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि बटन किधर है यहाँ पे। तो सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि 5-6 लिफ्ट एक साथ लगे होते हैं, और बाहर में ही ये रहता है नंबरिंग किया हुआ। आपको जो भी लिफ्ट यूज़ करना है वो उस पर आप क्लिक करो, और वो ऑप्शन देगा आपको कि आपको कौन सा नंबर का लिफ्ट यूज़ करना है। जैसे ABCDEF करके नंबरिंग रहेगा लिफ्ट का, और जैसे ही आप बटन प्रेस करोगे तो उसमें डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे कि आपको D नंबर का लिफ्ट यूज़ करना है। ठीक है, मैं इसका वीडियो करके दिखाऊंगा आपको, कि मैं यूज़ करके लिफ्ट दिखाऊंगा कि सेंट्रलाइज लिफ्ट सिस्टम क्या होता है। हाँ, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट में बता देना कि कौन कौन हो जो यूज़ किए हो ऐसा कुछ। ठीक है, 1, 2,
थ्री फोर फाइव सिक्स एंड देखो अभी मेरे को जैसे ग्राउंड फ्लोर पे जाना है तो मैं यहाँ पे इधर जीरो कर रहा हूँ, इधर इधर जब जीरो किया तो वो दिखा रहा है ये सेलेक्टेड फ्लोर पे नहीं जा रहा है, ये शायद ये वाला फ्लोर उधर जाता नहीं है, तो इसको मैं अभी थर्ड फ्लोर करता हूँ। तो ये दिखाया डी वाला, तो डी वाला जो लिफ्ट है वो जाएगा थर्ड फ्लोर पे। तो वो देखो ये है, इधर है डी, तो ये डी वाले पे मुझे जाना होगा और यहाँ से मैं थर्ड फ्लोर पे जाऊँगा। ये लिफ्ट मेरे लिए आ रहा है, ठीक है। अभी 17 फ्लोर पे मैं हूँ तो 17 पे ये आएगा, देख लो भाई बहुत ही अलग सीन है ये, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कुछ होता है। देखो आ गया 17th पे, चलो। तो मुझे अभी जाना नहीं था उधर, मैं बस दिखा रहा था कि कैसे सेंट्रलाइज लिफ्ट सिस्टम जो है वो काम करता है, ठीक है। तो ये तो मैं पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया हूँ गाँव, तो ये सब चीज़ ये बड़े शहर में भी है, मतलब बड़े शहर में ही है कह सकते हो, तो ये चीज़ तो मेरे लिए बिल्कुल ही नया था। तो अभी आप बताना कि कौन कौन हो जो ऐसा लिफ्ट सिस्टम यूज़ कर चुके हो, तो